हुकूमत का हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी राबता कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। फजर से शाम 5 बजे तक छोटी मार्केट्स और दुकानें खोलने की भी इजाजत। तमाम सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हमारे हालात चीन और यूरोप से मुख्तलिफ हैं। दिहाड़ीदार तबका मजदूर सख्त परेशानी से दोचार। लॉकडाउन से परेशान कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का छोटी मार्केट्स और छोटी दुकानें खोलने का फैसला। सुबह फजर से शाम 5 बजे तक खुलेंगी, हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। पाइप मिल्स, सैनिटरी पेंट्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स, स्टील एल्यूमिनियम की सनतों और दुकानों को काम की इजाजत होगी। हार्डवेयर स्टोर को भी खोलने की इजाजत होगी, जबकि हॉस्पिटल्स की OPDs को भी खोलने का फैसला किया गया है। पंजाब में तमाम स्कूल 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। वज़ीरे तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज ने ऐलान कर दिया। कहते हैं, हमें तुलबा, असातिज़ा और उनके खानदानों की जिंदगियां अजीज हैं। बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने पर गौर जारी है। तुलबा के लिए अच्छी खबर, मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात अब नहीं होंगे। विभाग का तमाम बोर्ड इम्तिहानात मंसूख करने का फैसला। गुज़श्ता नतायज को मद्देनजर रखकर तुलबा की अगली जमात में प्रमोशन होगी। 12वीं जमात के तुलबा यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले सकेंगे। कोरोना फील्ड हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर 90 करोड़ रुपए का मंसूबा, बुनियादी सहूलियात से आरी। एक्सपो सेंटर हॉस्पिटल में ना ढंग के वॉशरूम्स और ना ही मयारी खाना। कोरोना फील्ड हॉस्पिटल में कंसल्टेंट्स समेत दीगर डॉक्टर्स भी मरीज देखने को तैयार नहीं। कोरोना के मरीज वॉशरूम में जाने के लिए 1-1 किलोमीटर पैदल चलने पर मशहूर हैं। एक्सपो सेंटर कोरोना फील्ड हॉस्पिटल में 427 मरीज दाखिल हैं। 1000 बिस्तरों की आरसी पार्टीशन पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कोरोना के केसेस बढ़ने का सिलसिला जारी। शहर में कंफर्म मरीजों की तादाद 3449 हो गई। पंजाब में कोरोना के 504 नए केसेस रिकॉर्ड, तादाद 9195 तक जा पहुंची। अब तक 182 अमवात हो चुकी हैं। 3201 अफराद से एहतियात, 22 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। अब तक कुल 1,12,007 टेस्ट किए जा चुके हैं। शहर में जारी स्मार्ट लॉकडाउन को 1.5 माह मुकम्मल। लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक रवादवा, ट्रैफिक वार्डन्स बेबस, पुलिस की नाकाबंदी बेकार साबित होने लगी। ट्रैफिक वार्डन्स के सामने ही शहरी डबल सवारी के खिलाफ वर्जी करते रहे। ट्रैफिक वार्डन्स डबल सवारी और लोकल ट्रांसपोर्ट रोकने में बुरी तरह नाकाम। पंजाब पुलिस में कोरोना के बढ़ते मरीज, IG का एक और अहम कदम। फील्ड अफसरान के साथ साथ दफातर में आने वाले अफसरान के भी कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों का भी कोरोना टेस्ट करवाने का हुक्म। पंजाब में माली बोहरा, हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की डोनर एजेंसियों से राबते। बजट खिसारे के लिए एजेंसीज बैंकों से 10 अरब के मजीद फंड का ग्रीन सिग्नल मिल गया। डोनर एजेंसीज की मुख्तलिफ लोन में 28 अरब की मजकूरा रकम अभी बाकी थी। मजकूरा 28 अरब के इजरा के लिए एजेंसी से राबते किए गए। हुकूमत को 28 अरब में से 10 अरब के फंड का इजरा आइंदा माली साल में होगा। रवां साल गैर मुल्की डोनर्स एजेंसीज ने 58 अरब के कर्ज की यकीन दहानी करवाई थी। शटर उठाओ, गाहक अंदर लाओ, इशरा बाजार में भी चोरी छुपे खरीदो फरोख्त जारी। दुकानदार शटर उठाकर गाहक को अंदर बुला लेते हैं। बंद शटरों के अंदर कारोबारी सरगर्मियां जारी। इस सादे कोरोना बारे हुकूमती SOPs नजरअंदाज। पेप्को का कोरोना से जान भक होने वाले मुलाजमीन के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान। दौरान ड्यूटी कोरोना से जान भक होने वालों के लवाहकिन को 35 लाख रुपए मिलेंगे। मुतासर खानदान के घर का किराया और बच्चों को तालीम मुफ्त दी जाएगी। रिटायरमेंट तक मुफ्त बिजली और बच्चों की शादी के लिए खसूसी ग्रांट भी होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से ओवरसीज पाकिस्तान एज कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन की मुलाकात। कोरोना के तनाजुर में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के इकदाम पर तबादला ख्याल। वतन वापस आने वाले मुसाफिरों को दौरान करंतना फ्राहम की जाने वाली सहूलियात पर बातचीत। वज़ीर-ए-आला की होटल्स करंतना मराकज में मुसाफिरों को टेक अवे खाना मंगवाने की इजाजत। बोले होटल्स करंतना मराकज में गैर मयारी खाने की शिकायत पर कार्रवाई होगी। पंजाब असेंबली के इजलास की तैयारियां, हुकूमत और अपोजिशन में मामले थे। SOPs तैयार, इजलास में 100 अराकीन असेंबली शरीक होंगे। इजलास 9 दिन तक चलेगा।
हुकूमत के 52 ऑपोजिशन के 48 अरकान शरीक होंगे। कोरोना के तहत सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तश्कीले 9 के हवाले से इजलास, सेक्रेटरी PND बोर्ड और मेंबरान की शिरकत। इजलास का मकसद सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तश्कीले 9 की हिकमत अमले पर रोशनी डालना था। सूबे की तरक्की के फ्रेमवर्क की बहाली के लिए राइस पंजाब मनसूबा इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब असम्बली की ज़ेरे तामीर इमारत का मामला, स्पीकर की तमाम तर कोशिशों के बाद भी ज़ेरे तामीर इमारत मुकम्मल ना हो सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जून तक इमारत मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी थी। सेक्रेटरी असम्बली की इमारत की तामीर में ताखिर करने पर इंक्वायरी करवाने की सिफारिश, सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से सेक्रेटरी CNW को मरासला भिजवा दिया गया। ई-पे ऐप पर महकमा खजाना पंजाब ने 1.5 अरब रुपए का टैक्स जमा कर लिया। ई-पे ऐप पर पंजाब हुकूमत ने ऑनलाइन टैक्सेस वसूल करना शुरू किए थे। सर्विस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन फी और दीगर टैक्सेस शामिल हैं। डिफेंस लेबर कॉलोनी के फ्लैट्स में कब्जा माफिया के खिलाफ इंक्वायरी का मामला, डायरेक्टर बक्स वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गैर संजीदा रवैये पर महकमा लेबर का इजहार अफसोस। कब्जा माफिया की पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर डायरेक्टर लेबर साल्ट का बोर्ड को खत। फ्लैट्स पर कब्जा गैर कानूनी फरोख्त में वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन के मुलव्वस होने का इंकशाफ। पुलिस अफसरान की नाकिस हिकमत अमली, रवा माली साल में पंजाब पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स ना खरीदी जा सकी। 2000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए 30 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई थी। ऑरेंज लाइन की सिक्योरिटी के मद में मिलने वाली रकम से SPU के लिए जैकेट्स खरीदी जाना थी। 315 बुलेट प्रूफ जैकेट्स की समरी मुतल्लिका ब्रांच को भिजवाई गई थी। 4 साल कबल थानों में दिए गए मोबाइल फोन्स का हिसाब लिया जाएगा। लाहौर पुलिस ने मोबाइल फोन्स का ऑडिट शुरू कर दिया। हिसाब देने पर पुलिस एहलकारों में खलबली मच गई। एहलकारों को मोबाइल फोन क्राइम मैपिंग के लिए फ्राहम किए गए थे। नशेयों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला कानून का रखवाला खुद नशा करने लगा। मुस्लिम टाउन के करीब किनार रोड पर नशेयों का डेरा, पुलिस एहलकार के नशा करने की फुटेज CD42 मंथन यहां पर ले आया। फुटेज में बारूद पुलिस एहलकारों को नशा करते देखा जा सकता है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने नियो न्यूज चैनल बंद करने की मजम्मत कर दी। कहते हैं चैनल की बंदी से 600 मुलाजमीन का रोजगार खतरे में डाल दिया गया। पैमरा नियो न्यूज की मौतली का फैसला वापस लिया और चैनल की दरखास्त पर हमदर्दाना गौर करें। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियार के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, हाईकोर्ट ने समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालती समाअत के दौरान चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद थे। हॉस्पिटल्स और कारखानों का फजला तल्फ करने के लाइसेंस होल्डर्स की गिरफ्तारी का मामला, हॉस्पिटल्स और कारखानों से जहरीला मफाद, फजला उठाने वाले फर्म के दो पार्टनर्स की जमानत खारिज। हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने मुलजिमान राजा मोहम्मद असगर और हसन जाहिद की जमानत खारिज कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत खारिज का हुक्म सुनाया। नैब लाहौर ने मुलजिमान को 9 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया था। लाहौर हाईकोर्ट में पुलिस हिरासत से 2 अफराद की बाजियाबी केस की समाअत, RPO गुजरांवाला रियाज नजीर खाड़ा, DPO नारोवाल समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। जस्टिस अनवारुल हक खातून नवीदा हफीज की दरखास्त पर समाअत करेंगे। उधर DGFDA की हिरासत से खातून की बेटी की बाजियाबी केस की समाअत, CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश। हाईकोर्ट ने बाजियाबी की दरखास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। लेस्को बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन की माशाल्लाह हाउसिंग स्कीम में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई, ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दद घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। जेरे जमीन तार बिछाकर मुतअद्दद घरों को बिजली चोरी करवाई जा रही थी। ऑपरेशन में जेरे जमीन बिछाए जाने वाले तार कब्जे में ले लिए गए। UET के माली बहरान में इजाफा, यूनिवर्सिटी में इसातिज़ा और मुलाजमीन की आसामियों में बड़े पैमाने पर कमी। मुलाजमीन के 1437 आसामियां खत्म करने का फैसला,
असातिज़ा की भर्तियों के लिए मुख्तस 74 खाली असामियां भी खत्म कर दी, जबकि असामियां खत्म करने पर यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का रद्द अमल कहते हैं हमारा मुस्तकबिल तारीख कर दिया गया है। असातिज़ा तंजीमों ने स्कूलों की बंदिश में तनख्वाहों से कन्वेंस अलाउंस कटौती मुस्तरद कर दी। मौसम गर्मा की तातीलात का नाम देकर तनख्वाहों से कटौती काबिल कबूल नहीं, तनख्वाहों से कन्वेंस अलाउंस की कटौती समझ से बालातर है, असातिज़ा कटौती के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं।